सबसे पहले तो जय श्री राम कहना ही उचित होगा। 500 सालों के बाद टेंट में श्री राम लला थे। 500 सालों के बाद आगामी 22 जनवरी को गर्भगिरी में राम लला पहुँचेंगे। आमंत्रण यात्रा गढ़वा पहुँची है। आपको भीड़ दिखा रहे हैं, सबसे पहले किस तरह लोगों की आस्था बलवती है। जो लोग अयोध्या नहीं, सबकी पहुँचने की चाहत है कि हम अयोध्या पहुँचे, उस क्षण में मौजूद रहें, लेकिन नहीं पहुँच पाने की सूरत में वो रामशिला जो पहुँची है उसका एक दीदार करने के लिए, उस रामशिला को छूने के लिए किस तरह लोग आतुर हैं आप बेशक वीडियो में देख रहे होंगे। अभी हम आपको दिखाते हैं किस तरह लोगों की भीड़ यहाँ पर उमड़ पड़ी है। लोग मौजूद हैं यहाँ पर, जो लड़कियाँ हैं पूरी तरह वेल ड्रेस में हैं, यहाँ पर पहुँची हैं। क्या देखने आई हो यहाँ पर? रथ यात्रा। क्या उस रथ यात्रा में रामशिला भी है? रथ यात्रा देखने आए हैं हम लोग। यहाँ रथ को देखेंगे, भगवान के मंदिर में दे राम रथ यात्रा देखने आए हैं, रामशिला का भव्य मंदिर जो बना है वो। क्या देखने हैं यहाँ पर? क्या वही रथ यात्रा देखने आए हैं। अयोध्या से जो मंदिर आ रहा है उसी को देखने आए हैं। 500 सालों के बाद राम लला जो थे त्रिपाल से निकलकर, टेंट से निकलकर गर्भगृह में मंदिर में पहुंचने वाले हैं, कैसा क्षण है? हम लोगों को तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे राम जी जो हैं अयोध्या में आए हैं। और हम लोग सोच रहे हैं उनका मंदिर बड़ा भव्य बने, कि संसार में ऐसा मंदिर कहीं ना बने। ये हमारे मोदी जी का बहुत ही अच्छा योगदान रहा है। क्या कहेंगे, राम लला मंदिर में जाने वाले हैं? बहुत अच्छा है, खुशी की बात है कि रथ यात्रा देखने जा रहे हैं। और अच्छा और लोग हैं, हम बात करेंगे। आप क्या देखने आई हो? राम भगवान का वो रामशिला देखने दर्शन करने आई हाँ। राम लला टेंट में थे, त्रिपाल में थे, 500 सालों के बाद वो मंदिर में पहुंचने वाले हैं, कैसा क्षण है? बहुत अच्छा लग रहा है, और यहाँ पे भी भीड़ काफ़ी है और बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ का रथ यात्रा जो निकल रहा है उसको देख के बहुत सारे लोग भी खुश है। रामनवमी की याद ताज़ा हो गई। ये हमारे लिए सौभाग्य है कि हमें ये राम मंदिर की जो स्थापना है वो देखने को मिल रहा है। हमें सनातन धर्म पे बहुत गर्व है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है आज है? अच्छा लग रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है। यस, यस राम लला मंदिर में जा रहे हैं हम लोग, यहीं पे हैं। एक मिनट, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी की बात है कि हम लोग को घर बैठे राम लला जी की दर्शन हो रही है। बहुत खुशी की बात है कि हम लोग के यहाँ राम लला जी के रथ यात्रा देखिए। राम लला मंदिर में जा रहे हैं अब 500 साल बाद। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र है, इसलिए ऐसा होना ही चाहिए। और हम सभी महिलाएं एक जगह एकत्रित हुए हैं, राम लला जी का रथ यात्रा अयोध्या से आ रही है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। सबकी चाहत है कि हम एक दर्शन कर सकें, दीदार कर सकें उस रामशिला का। हम एक बार फिर से बता दें कि राम लला जो मंदिर में जा रहे हैं 500 सालों के बाद गर्भगृह में पहुँचेंगे, निश्चित रूप से अद्भुत क्षण होगा। हर किसी की चाहत है कि उस क्षण का हम गवाह बने जब राम लला गर्भगिरी में जब स्थापित होंगे, जब उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। त्रिपाल में थे, हर किसी की चाह थी, लेकिन 500 साल गुजर गए। 500 सालों के बाद रामलला अपने गर्भगिरी में पहुंच रहे हैं। आमंत्रण यात्रा गढ़वा पहुंची है। आपने भीड़ को देखा, एक बार फिर से हम आपको दिखाते हैं। अभी आपने सबकी बातों को सुना, किस तरह लोग ललायित हैं उस यात्रा को देखने के लिए, उस शिला को छूने के लिए। निश्चित रूप से आह्लादित करने वाला क्षण है। हम आपसे भी गुजारिश करेंगे, आप अभी भी अगर आप घर में हैं तो आप गढ़वा के रंका मोड़ पर पहुंच जाएं, शहर में पहुंच जाएं, उस रामशिला को एक बार छू लें, दीदार करें। और उस रामशिला को एक बार छूने के बाद आपको एहसास होगा कि हम निश्चित रूप से कहीं और नहीं बल्कि अयोध्या में हैं, और राम अपने रामलला को छू रहे हैं। हम आगे भी और लोगों से बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।